राम विचित्र रामायण। सिद्धार्थ भक्ति चैनल निवेदित कवि विश्वनाथ खुंटिया कृत विचित्र रामायण संगीतमय धारावाहिक को पुणी थरे स्वागत। ये गोटे नूतन अध्याय। ये अध्याय रे संगीत परिवेषण करिबा पूर्वरु मुमर कलाकार बंधु मान सहित आपको परिचय करदे। आमर गायक आम सहित उपस्थित अच्छा श्रीजुक्त दुखीश्याम त्रिपाठी तांक सहित वाद्यजंत्र रे सहयोग करिबा पाए आमर कलाकार बंधु मान अछंती। ए समस्त सहयोग रे आमर संगीतमय धारावाहिक अग्रसर होउछि। गत अध्याय रे आमे देखिथिले जे देवता माने जाई ब्रह्मांक नेतृत्व रे क्षीर सागर रे शयन करथिबा महाविष्णु को प्रार्थना करुछंती, निजर दुख निवेदन करुछंती। एही अध्याय रे आमे देखिबा जे देवता मानंकर सकल दुख, सकल दैन्य, सकल असहायता ये सब शुणी सारा पर महाविष्णुंकर कौन प्रतिक्रिया होची। से एते देवतांकर दुख निश्चित शुणा पर कौन तो गोटे भावे, कारण देवता माने तांको आकुल निवेदन करुछंती जे आपण अतीतरे एते अवतार ग्रहण करथिले, मीन अवतार रे वेद को उद्धार करथिले, कच्छप अवतार रे जगत को रक्षा करथिले, एवं बामन अवतार रे बलि को पाताल पठैथिले। ये सब अवतार आपण ग्रहण करिकिरी आपण प्रमाण देइछंती जे सृष्टि को रक्षा करिवार अंतिम दायित्व आपण हाथ में। जेतेबेले दुख आसीबो, जेतेबेले असहायता आसीबो, जेतेबेले संसार रे असुर मानंकर भारा प्रबल हबो, सेतेबेले अवश्य देवता माने आउ गोसमाता सहित आसी आपणक निकट रे आमे निवेदन करिबो ही करिबो, एवं सबुबेले आपण आमर दुख सुणी आछंती एवं से दुखर प्रतिविधान मध्य करिछंती आपण। तेणु हे महाविष्णु आपणक पाखरे पुणी आमे आमर दुख जणैछु। ए दुख जणै सारिछंती देवता माने। वर्तमान आमे देखिबा जे महाविष्णुंकर कौन प्रतिक्रिया होछि। एही प्रतिक्रिया प्रकाश पाई द्वादश छांद रे कवि विश्वनाथ खुंटिया कौन वर्णना करिछंती ताहा परिवेषण करिबा पई मु निवेदन करुछि दुखीश्याम त्रिपाठी महोदय को। देवंक आकुल देखि प्रभु दई तारी दिव्य चक्षु फेण चाहिले धीर करी शंख चक्र गदा पद्म शोभे भुज चारी लक्ष्मी सरस्वती पासे फटंती तांकरी ब्रह्मा मुख चाहिण कहंती नारायण असुरंकु एड़े बर दियो की कारण पूर्व पर विचार न कर वेदपति से हेतु घटई आसी समस्त विपति दर्शक बंधु देवता मानंकर आकुल प्रार्थना दैत्यारी दीनबंधु महाविष्णु शुणिले किभली शुणिले एवं किभली चाहिले देवता मानंकु ना दिव्य चक्षु फेड़िले तांकर दिव्य चक्षुरे करुणामय दृष्टि रे स्नेहपूर्ण दृष्टि रे कृपामय दृष्टि रे से देवता मानंकु देखिले। महाविष्णुंकर दृष्टि केबे मध्य उग्र नुहे, कारण ए संसार सी नियंता, ए संसार सृष्टिकर्ता, ए संसार पालनकर्ता। तेणु देवता माने दुखित हो आसी निराकरण करिवार समस्त शक्ति, निराकरण करिवार समस्त उपाय महाविष्णु पाखरे अछि। से आदौ विचलित नहंती, से धीर स्निग्ध करुणामय दृष्टि रे देवता मानकु चाहिले एवं देवता मानकु चाहि कहिले जे वेदपति आपण सबुबेले इहळी करुचंती। कोन करुचंती ना असुर मानक आपण बर दे दौंती, पूर्वापर विचार करूना ए बर दे कौन हम कौन तार परिणाम हम कौन प्रभाव पड़ो एक विचार नक आप कहीं बर दे दौंती। किंतु वेदपति ब्रह्मांकर गोटे असुविधा हो जेबले कौन सी मानव हो असुर हो जी भी हो जी तपस्या कला
जे साधना कला से साधनार सिद्धि निश्चित भाव पाइब। तेणु ब्रह्मांकर भी शक्ति ना जनकर साधनार सिद्धि को सी टाणी देवे। तेणु रावण जाकर जिते मंदराचल तपस्या कर तपस्यार फलता को अवश्य प्राप्त हे। एवं यही गोटे कथा आम मन रखा दर्शक बंधु जे साधना कले सफलता एवं साधन एकाग्र चित्तरे जदि जने साधना करिवो से जेते बड़ कष्ट साधना हो निश्चित भाव से सफलता पाइब ताकू कहीं वंचित करें ना। यहाँ हूँ सृष्टि नियम ये परमात्मा नियम करम बंधा ही जिते बड़े कौन सी दानव असुर एमाने सब आसिक तपस्या करते तपस्यार शेष सीमार जिते बड़े से असुर मैंने पहुँची से ब्रह्मांकर शक्ति ना जे से बर प्रदान कर वंचित करे। तेणु ब्रह्मा तांकर दुख कहिबे जे प्रभु आपण सिना कहउचंती मु तेमानकु बर देबाकु बाध्य कारण से माने तपसिद्ध से माने साधना सिद्ध। तेणु साधना जे करिचि जे तपस्या करिचि जदि तपस्यार शिखर स्तर रे से पहुँचिचि तार तो फल प्राप्ति अवश्य तार अधिकार। तेणु ताकु से भली वंचित करिबा पे मोर भी अधिकार नहीं। तेणु से अधिकार मु ताकु देइचि एवं एठी वैदेश विलास जोटा भी गोटे रामकाव्य से रामकाव्य मध्य वर्णना उपेन्द्र भंज कौन करते देवता माने जा क्षीर सगर शयन कर विष्णु को यह प्रकार दुख दैन्य नवेदन करवतार ग्रहण करने कहते से विष्णु कौन कहते वैदेश विलास वर्णना ये ब आद्य अनुप्रास रचना है वैदेश विलास से वैदेश विलास उपेन्द्र भंज लिखुंट कौन देवता मान मुहरें देवता मान मुहर नुह विष्णु मुहर से कहते ब्रह्मा को पचारुंत विष्णु बोइले प्रबर बर दिय जे प्रबर बर बर मानक भितरे जो बरटा श्रेष्ठ बर जे तोर मृत्यु हम ना तु दिन में मरबू ना तु राति मरबू ना तु जल बुड़बू ना निरें पोड़ू ना ये बर आप कहीं बर मानक सब ये प्रबर बर तेणु भंज प्रयोग कर शब्द प्रबर बर विष्णु पचारुंत बोले प्रबर बर दि कहीं बर दि जे तपस्या कर साधना कर बर दि किंतु तुम शेष बर गुड़ा देद प्रबर बर देद तुम कौन जान व्यवहार में व्यवहार मानने व्यवहार में व्यवहार में तीनपुर दैत्य मैंने किभली भार गोटे से कष्ट संसार को दैत्य मैंने जिते बर से तो सहजरे दुष्ट जिते पुणी तुम बर दे दौ प्रबर बर से तो आहरी अमित दुष्ट हो तेणु एभली बर कहीं दौ से उपेन्द्र भंजकर रचन गोटे सुंदर उत्तर दौरान देवता मैंने देवता माने विष्णु को कहते हाँ आज्ञा आपड़ जहाँ कहले आम शुणिलु जे आमर हुए तो दोष सेटा हो आम प्रबर बर दे दौ कौन कर परीक्षा न 100% जो पिला परीक्षा मार्क लिखी पाठ ताको मार्क दबानी तो से भाया से तपस्या करुंत असुर मैंने तपस्या करिया जाक प्रचंड खरार प्रचंड शीतर पाने बुड़क प्रचंड खरार चारिपटे निया जाक तपस्या करवल नाम जप कर एवं से जो तपस्या करुंस तपस्यार फल तो अवश्य प्राप्य तेणु किमती मना करी किंतु आम कहीं बरटा दौच जानते विष्णु से बरटा आम दौच कौन बिलो कौन विधुर मधुर लीला होइब विस्तार केमती हबो ना नुआ नुआ अवतार आपण केमती हेबे जदि असुर मानकु आमे बर न दबु से माने जदि उत्पात न करिवे धरणी रे जदि तांको भारा असह्य न हबो ताल त आपण एमती क्षीर सागर रे सोइदिबे आपणकु आमे आसी दुख कहिबु नै तेणु आपणकु दुख न कहिले आपण अवतार हबाकु मन करिवे नै एवं आपणकर अवतार न हेले संसार रे आपणको लीला केमती दर्शन करिवे जगतवासी। तेणु गोटे गोटे अवतार आप आसुंचर सानिध्य पाँच आपण मानुषी लीला देखुंत आपण बामन अवतार आसिले बामन अवतार आसवर लोक मैंने आपण रूप देखिले आपण लीला देखिले आपण महिमा देखिले एवं बाली आपण प्रभाव में आपण कृपा प्राप्त होकर मुक्तिपथर जात्री है।
तेणु ये लीला गुड़िक रचना हम ये लीला रचना हम बोली आम बर दौ असुर असुर मान जो मान बर देर पाखे आम असह्य होकर जंत्रण से उत्पीड़ित होकर आपण आम आसुचु देवता माने विष्णु को प्रार्थना कर विष्णु तांकर प्रार्थना शुणी स्निग्ध नयन में कृपा दृष्टि देवता मान देखिंट दृष्टि एवं विचार तांकर कृपार प्रसाद को अनुभव करचंती देवता माने आश्वस्त होती महाविष्णु कौन कहउचंती देवता मान को कि प्रकार प्रबोधना कि प्रकार आश्वासना से दौचंती देवता मान को ताकु आमे सुनिबा एही छंदर परवर्ती चारिपद अच्छी से चारिपद को गायन करिबा पई मु दुखी श्याम त्रिपाठी महोदय को अनुरोध करूछु वृद्धा देव गणे आउ न कर भावना अविलंबे पुराइबु तुम्भर बासना निर्भय चित्तरे जाओ निज निज धाम अवश्य मर्त्यरे आम्भे होइबु जनम सुंदर केते चमत्कार भाव रे विष्णु समस्त को आश्वासना देचंती प्रबोधना देचंती समस्त मनरे जो भय उद्वेग थिला से उद्वेग को क्षण करे विनाश कर देचंती विष्णु जे आपण माने निज निज धाम को जानतु आमे किभली भाव रे अवतार ग्रहण करिवु ना चतुर्धा रूप रे आमे अवतार ग्रहण करिवु ए जो चतुर्धा शब्द ये चतुर्धा शब्दटी हूँ विश्वनाथ खुंटियांकर प्रयोग कारण आरंभ अध्याय मानकर शुणी जे राम हूँ जगन्नाथ एवं जगन्नाथ हूँ राम ये जो अभेद परिकल्पना है परिकल्पना फल जेतेबले विश्वनाथ खुंटिया विचित्र रामायण वर्णना करम हो जगन्नाथ एवं जगन्नाथ हो जाती राम तेणु से एठी चतुर्धा मूर्ति क्या आम कहू साधारणतः जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा एवं सुदर्शन यांकु आम कहू चतुर्धा मूर्ति किंतु एठी चतुर्धा मूर्ति किए एठी चतुर्धा मूर्ति होचंती राम लक्ष्मण सीता एवं हनुमान एवं एई जो चारि जण एमाने रामंकर अवतारर सहचर होइकिरी बा अवतार लीलार सहचर होइकिरी एमाने आसीचंती सहचर सहचरी होइकिरी जिमिति श्रीमंदिर नीलाचल क्षेत्र में प्रभु जगन्नाथ सहित तो भाई बलभद्र माँ सुभद्रा एवं तांको सहित तो चक्रराज सुदर्शन विराजित अच्छा सी जमी चतुर्धा मूर्ति रूप से विराजित बोली आम चतुर्धा मूर्ति कहूँ तेणु त्रेतया युगर मध्य चतुर्धा रूप से आम अवतार ग्रहण करू यो चतुर्धा शब्दी व्यवहार कर विश्वनाथ खुंटिया ये हूँ विचित्र रामायणर अनन्यता विचित्र रामायणर विशेषता एवं विचित्र रामायणर स्वातंत्र्य बारंबार से प्रमाण एवं सिद्ध करने को चाहते मोर जगन्नाथ होचंति प्रभु श्रीराम मुदिओ रामचरित वर्णना करुच्ची रामलीला वर्णना करुच्ची किंतु या पछरे जगन्नाथ कृपा अच्छी एवं जगन्नाथ होचंति मोपाई राम तेणु चतुर्धा मूर्ति शब्द से व्यवहार करेणु देवता माने आश्वस्त हो विष्णु पाखु निज निज धाम को फेरी जाठी शेष हूँ द्वादश छांद त्रयोदश छांद को आम जीवा त्रयोदश छांदरे आसुचंती सीतांकर जन्म बिवरण माँ सीतांकर जन्म बिवरण कहीं सीता जन्म हेले कोठी जन्म हेले किभली भाव जनकंकर कन्या संतान नथिला से किभली दुखित होकर जीवन जापन करुथिले कन्या संतान कामना करिबा पई तांकर मनरे व्याकुलता थिला एही सब कथा आमर त्रयोदश छांदरे आसिबो त्रयोदश छांद आम आरंभ करुचु एवं त्रयोदश छांद को गायन करिबा पई
मु अनुरोध करुच्ची आमर गायक दुखीश्याम त्रिपाठी महोदय को सुन हे सुजन जने एक मन सुधा सम रामायण पवित्र आख्यान व्रत खंड मध्य रे मिथिला नाम देश तही अधिपति जे जनक न रहीस प्रतापी राजा अति भाग्यवंत ताहार कूल रे जहूं नहिला कपुत्र दिनु दिन दुखानल होई प्रज्वलित स्थूल तन पुष करि दियई नियत जनक महर्षिंकर कथा एठी आसिला जनक प्रकृतरे महर्षि नुहंती जनक होचंती राजर्षि मिथिलार जनक राजा जनक तांकु राजर्षि एथिपाई कहा जाए जे से राजा हेथिले मध्य ऋषि भली से रहंती निर्लिप्त भावरे राजा हेथांती समस्त राजकीय मर्यादा थाए समस्त राजकीय क्षमता थाए अथच से क्षमता से प्रभुत्व ए सबुठारु से दूरे थाए जड़े ऋषि भली जीवन जापन करुथिबारु तांकु राजर्षि जनक बोली कहा जाए एवं से राजर्षि जनकंकर पुत्र हेला नहीं बोली से अत्यंत दुखरे कालातिपात करुथिले एवं से दुखरे कालातिपात करुथिबा अवस्था रे चिंता करी से तपस्या आचरण करिबा पई चाहिले कारण तांकर पुत्र संतान कुल रक्षा पई पुत्र संतान रा आवश्यकता अछि आजिकालि जदिओ पुत्र कन्या सब समान बोली आमे कहुचु तथापि कुल रक्षा पई पुत्र संतान टे चाहिबा आम परंपरा रे प्रचलित अछि तेणु एभली गोटे परंपरा अतीतर मध्य प्रचलित थिला तेणु राजर्षि जनकंकर मनरे ए जो दुख थिला जो वेदना थिला जे से पुत्र संतान रो जनक हेबाकु चाहुछंती सेइति पई से तपस्या आचरण करिवा गले कारण सेतेबेले पुत्र संतान कामना करिवा केवल कामना रे नथिला सेति पई तप आचरण करिवाकु पडुथला जेमति असुर माने सिद्धि प्राप्त करिवा पई तपस्या आचरण करथिले पुत्र प्राप्ति पाई मध्य तपस्या करिवाकु पडुथला देवतांकु संतुष्ट करिवाकु पडुथला परवर्ती चारिपदरे ताहा वर्णना हिछि ताकु गान करिवा पाई मु गायक दुखीश्याम त्रिपाठी महोदय को अनुरोध करुछि एक दिने मंत्री किराइण महिपति राज्य भार समर्पण चलिला झटती बीरस होइण राजा विचारी मनरे पप आरंभिला जाई कौशी कतिरे जोगलय करीण जनक महिपति शुद्ध मन विष्णु को करई बड़ भक्ति बड़ाई साहस मने निश्चल रहिला विक्रम कहे परी केते दिन गला राजर्षि जनक पुत्र संतान कामना उद्देश्य रे निज मंत्री को डाकी राज्य शासन रो भार तांक उपरे समर्पण करी एवं निजे तपस्या करिवाकु जाउचंती एवं राजर्षि जनक होउचंती विष्णु भक्त एवं से विष्णु को प्रार्थना करुचंती विष्णु को तपस्या रे संतुष्ट करिवा पई चेष्टा करुचंती कोठी की जाइचंती से ना से कौशिकी तीर को जाइचंती कौशिकी होउची ओटे नदी से कौशिकी नदी किए कौशिक होचंती विश्वामित्र विश्वामित्रंकर गोटे ना होची कौशिक तांकर भौणीक ना होची कौशिकी एवं पुराणर प्रवाद अछि जे विश्वामित्रंकर भगिनी कौशिकी गोटे नदी आकार रे बही जाउथिले एवं से नदी कूल रे ही विश्वामित्रंकर आश्रम थिला कौशिक विश्वामित्रंकर आश्रम से नदी कूल रे थिला एवं से नदी कूल को जाइकिरि तपस्या करिवा पई कारण से गोटे पवित्र नदी से पवित्र नदी कूल रे तपस्या करिवा पई राजर्षि जनक सेठाकु जाइचंती ए जो कौशिकी नदी एबे कोठी प्रवाहित होची
कौशिकी नदीर आधुनिक ना होची कोसी बिहार प्रदेश रे ता प्रवाहित होची एबे पर्यंत आपण माने समस्त जानिचंती भारत रे नदी मानंकर गोटे पवित्र परंपरा अछि से परंपरा दृष्टि रु प्रत्येक नदी पवित्र गंगा नदी ठारु आरंभ करी गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी आमे जेतेबेले कोनसी पूजा संकल्प करिवाकु बसु पूजा संकल्प काल रे आमे कोन कहु स्नान संकल्प काल रे आमे कोन कहु जे गंगेति जमुना चैव नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि भव तेणु गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी ए जो पश्चिम भारत रु आरंभ करी पूर्व भारत पर्यंत उत्तर भारत रु आरंभ करी दक्षिण भारत पर्यंत जेते नद नदी सब प्रवाहित होउचंती से सबु नद नदी होउचंती पवित्र एवं से नदीर पवित्र जल जेतेबेले आमे स्नान कला बेलकु अंजुला रे धरुचु आमे कहुचु हे प्रभु आमर ए अंजुली जल भितरे आमर सबु नदीर जल आसिकरी एकत्र होंतु किमिति भावना भारतीय मुनि ऋषि माने केमिति भावना करथिले नदी मानंकु नेकरी एवं सबु नदी आम पाई पवित्र तेणु ये जो पवित्र नदी से पवित्र नदी कूल रे तपस्या करिवा पाई अतीतरे ऋषि मुनि माने स्थान निरूपण करथिले आ गोटे कथा होची जे भारतीय सभ्यता मध्य होची नदी कूल रे सभ्यता आपण देखिबे गंगा जमुना सरस्वती जेते नदी थिला से नदी कूल मानंकर ही जनबसति सब गढ़ी उठिथिला काहेकि जल उच्च थिला जल नहले तो जीवन धारण करिवा कष्ट सेति पाई जल जोठी थिला नदी कूल अंचल उड़ीक तार पठा उड़ीक उर्वर चाष करने सुविधा जलर उपयोग करने व्यवस्था अच्छी तेणु नदी कूल ही भारत समस्त नगर सभ्यता ग्राम सभ्यता समस्ते बसते तेणु नदी हूँ भारत में मातृस्थानीय प्रत्येक नदी को आम मातृज्ञान करूँ माँ ज्ञान करूँ से नदी मान पवित्र ज्ञान कर आम समस्त नदी मानकर स्तुति गान करूँ गंगा स्तुति अच्छी जमुना स्तुति अच्छी तेणु राजर्षि जनक जेतेबेले पुत्र संतान कामना करिवा पई इच्छा कले सेतेबेले तांको आखि आगरे दिसिला जे कौशिकी नदी तीर जाकि मु तपस्या करिवि कारण कौशिकी होची गोटे पवित्र नदी कौशिकी नदी रे तपस्या कले नदी कूल रे तपस्या कले अवश्य मोर ज्ञानोदय हबो एवं मु भगवान को संतुष्ट करि पारिबि मोर मन निश्चल हबो मोर मन निविष्ट हबो कारण तपस्या रे गोटे मूल कथा होची जे मन निश्चल हब जो विष्णु को ध्यान करवा से विष्णु प्रति मन केन्द्रित होड़े जीव ना तेणु से गोटे गोटे स्थानर महत्व थाए जेकोसी जगार आम बसिक तपस्या करवा से संभव नुह से तपस्या करने अतीत मुनि ऋषि मैंने पर्वत प्रदेश वन प्रदेश यही अंचल को जाते आज हिमालय असंख्य साधु अच्छा जो मैंने तपस्या करस वर्ष से कहीं कौन सहर से रही पारे ना कटक भुवनेश्वर से कौन रही पारे ना ना कि दिल्ली सहर से रही पारे ना लखनऊ में रही पारे ना कहीं हिमालय को ना हिमालय पवित्र प्रदेश देवतात्व हिमालय बोली कहुए हिमालय हूँ देवता मान आत्मास्वरूप तेणु आमर नदी पर्वत जिते सब प्रकृतिर स्थान सब अच्छी से स्थान गुड़ाक देवता मान आत्मा को धारण कर देवता मान प्रभाव से स्थान मानक अच्छी से स्थान मानक चलीगले स्वतः मन निश्चल हो जाए स्वतः मन शांत हो जाए तेणु विक्षुब्ध मन विचलित मन जेतेबेले पर्यंत शांत न होइछि से मनरे भक्ति भावना आसीब नाही से मनरे निश्चलता आसीब नाही से मनरे निविष्टता आसीब नाही तेणु आमे जहांकु ध्यान करिबा तांको प्रति आमर ध्यान केमिति जीव तेणु राजर्षि जनक मंत्री को राज्यभार देकी जाइछन्ती तेणु से जदि विष्णु को भक्ति करिवे ताले तांको मन जदि राज्य शासन प्रति फेरीगला ताले तो सब सरिला तेणु राज्य शासन तांको मन को फेरे नहींक्री से संपूर्ण भाव विष्णु केन्द्रित करे एवं केन्द्रित कले तापर जाकिरी सी जहाँ चाहूंट जो कामना करष्णु से बर देवे कामना पूरण करे चरितार्थ हम यही संकल्प नहींक्र राजर्षि जनक जाती कौशिकी नदी कूल तपस्या करने उद्देश्य हूँ किभली पुत्र संतान प्राप्त हम तेणु यही भाव यो त्रयोदश छांदे विचित्र रामायण आम देखिले माँ सीतांकर जन्म हबार गोटे पूर्व प्रस्तुति पृष्ठभूमि वर्तमान प्रस्तुत होची जे पुत्र संतान जाई राजर्षि जनक किंतु कौन घटव परिस्थिति रे बा इमती कौन घटना रूप नब बा मोड़ नब जहाँफल सीता माता जन्म हे यही प्रसंग आम परवर्त अध्याय आलोचना करवा कारण समय आमको सूचना दे आशा आपण मैंने निश्चित आनंद आस्वादन करेंगे यही अध्याय आज समय सूचना देवारु आपणों पाखरु अनुमति चाहूँची जय सीताराम जय सीताराम।